इंदौर में पंजाब नेशनल बैंक की परदेशीपुरा शाखा द्वारा 5 व 10 रुपए के सिक्के नहीं लेने एवं भारतीय मुद्रा का अपमान करने की शिकायत लेकर एक व्यापारी मीडिया के सामने सिक्कों के साथ प्रस्तुत हुआ। व्यापारी ने बताया कि उसके पास 5 एवं 10 रुपए के तकरीबन 40,000 रुपए के सिक्के हैं, जिसे बैंक ने लेने से इनकार कर दिया था। वहीं जब व्यापारी ने इस पर लिखित में जवाब मांगा तो बैंक द्वारा शासकीय कार्य में बाधा डालने एवं खाता सीज करने का कहा गया है। व्यापारी के अनुसार उसके पास तकरीबन 40,000 रुपयों के 5 और 10 रुपए के सिक्के हैं, जिसे पंजाब नेशनल बैंक परदेशीपुरा शाखा के बैंक मैनेजर आलोक शर्मा द्वारा लेने से इनकार कर दिया गया। परदेशीपुरा शाखा में अपने सिक्के जमा करने गया। पहले भी मैं 4-5 बार गया था, बैंक के द्वारा यह मुझे कहा गया कि अभी कोई गिनने वाला नहीं है, आप बाद में आइएगा। ऐसे कर करके करीब 1.5 महीने का समय हो गया, मेरे पास बहुत सारी चिल्लर इकट्ठी हो गई। फिर जब मैं अपनी 10,000 रुपए की चिल्लर लेके गया, टोटल 60,000 रुपए की पूंजी थी, मेरा चेक लगने वाला था, मुझे जमा करना था 10,000 रुपए जिसमें चिल्लर थी, 50,000 रुपए के नोट थे। जब मैंने बैंक मैनेजर ने मुझे मना करा कि ये नहीं होगा, उसको लेके काफी उन्होंने मुझे शब्दों का प्रयोग करा। जब मैंने उनसे कहा कि साहब अगर आप चिल्लर नहीं ले सकते तो आप ये मुझे आप लिखित में दे दीजिए। तो मेरे लिखित में मांगने पर उन्होंने मुझे शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के तहत मुझे FIR मेरे खिलाफ करवाने की धमकी दी। साथ में मेरा खाता सीज करने की मुझे धमकी दी। मैं काफी समय से इस चीज के लिए परेशान हो रहा हूँ। हमारे पास जब हम मार्केट में व्यापार करने जाते हैं तो जब हम किसी ग्राहक से व्यापार करते हैं तो उस दौरान हमें सिक्के मिलते हैं। जब हमें सिक्के मिलते हैं उसे लेने से मना नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे ग्राहक हमें कहते हैं कि भारतीय करेंसी को लेने से मना करना भारतीय मुद्रा का अपमान है, और जिसको लेकर हमारे ग्राहक हमें हमारे खिलाफ FIR दर्ज करने की हमें धमकी देते हैं। अगर हमारे खिलाफ पहले भी उसको कानून मैंने पेपर में न्यूज आ चुकी है कि व्यापारी के खिलाफ चिल्लर लेने से मना करा तो उसके खिलाफ मुकदमा क्या सर? सारे कानून सिर्फ हमारे सरीके छोटे व्यापारियों के लिए ही बने हैं। बैंक मैनेजर कभी भी कितने भी सिक्के लेने से कुछ भी रुपए लेने से 5 के नोट आजकल ये स्थिति हो गई, अच्छे से अच्छी कंडीशन है, मगर कोई ना ही कोई व्यापारी ले रहा है, ना ही कोई दुकानदार ले रहा है, ना ही कोई बैंक वाला ले रहा है।